आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि जर्मनी में कितनी सैलरी जो होती है वो सही है सफिशिएंट है ये वीडियो का टाइटल है तो चलो सबसे पहले मैं जिस सिटी में रहती हूँ मैं जिस स्टेट में रहती हूँ तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में पहले बताया है कि यहाँ पर जो है आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो स्टेट टू स्टेट सिटी टू सिटी अगर आप सेंट्रल में रह रहे हो तो ज्यादा होगा अगर आप आउटर में रह रहे हो तो कम होगा इस पर डिपेंड करता है सेम ही फंडा जैसा इंडिया में होता है कि अगर आप पॉश एरिया में रहोगे तो आपका रेंट ज्यादा होगा और नहीं तो आपका रेंट कम होगा ऐसे ही कुछ सिटीज जैसे बैंगलोर जो है वो सबसे महंगी सिटी बोली जाती है इंडिया की ऐसे ही जर्मनी में म्यूनिक जो है वो सबसे एक्सपेंसिव सिटी uh, है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी ज्यादा होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन म्यूनिक तो अगर मैं एज ए सिंगल पर्सन की बात करूँ तो उसका यहाँ पर 800 टू थाउजेंड ए, यूरो में जो है वो अच्छे से रह सकता है एंड सिमिलरली अगर मैं एज ए कपल की बात करूँ तो उनका है 1200 से 1500 ये मैंने बहुत ही लोअर साइड में जो फिगर्स हैं वो बताए हैं थिंकिंग अबाउट कि आप शायद थोड़े आउटर में रहोगे वेरज अगर आप बिल्कुल एकदम सेंटर पे रहोगे तो ये कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मैं खुद ही जो है वो रेंट बहुत ज़्यादा पे कर रही हूँ तो मुझे पता है कि म्यूनिक में जो हैं वो रेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इस वजह से म्यूनिक में जो सैलरीज हैं या फिर आपका जो सफिशेंट अमाउंट है रहने के लिए वो ज्यादा होगा ये फिगर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक चीज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम सबके लिए सेविंग जब हम इंडिया से बाहर शिफ्ट होते हैं तो अफकोर्स हमें कोई मजा नहीं आता शिफ्ट होने में पर हम शिफ्ट इसलिए होते हैं ताकि हम यहाँ पर जो है वो सेव कर सकें जो हम इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप लोग इंडिया में अच्छा पैसा सेव कर रहे हो तो फिर उसका कोई आ, मतलब मैं बोलूंगी कि आप को नहीं शिफ्ट होना चाहिए अगर आप इंडिया में ही अच्छा सेव कर रहे हो लेकिन आप इंडिया में अगर अच्छा सेव नहीं कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो क्योंकि जर्मनी में जो है ये एक स्टैंडर्ड सैलरी है आप सोच रहे हो कि नहीं यार जर्मनी में मैं इतना पैसा सेव कर सकता हूँ और वो पैसा जो है वो मेरे किसी काम में आएगा चाहे वो घर खरीदने से लेकर होगा या आपको कोई फैमिली हेल्प करनी होगी या वॉट तो इस रीज़न से अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होना चाह रहे हो और कितना सफिशेंट अमाउंट है वो जानना चाह रहे हो तो ये वीडियो में वही मैं आपको बताने वाली हूं तो जैसा कि मैंने आपको बनाया था कॉस्ट ऑफ लिविंग इन म्यूनिक इतना है। तो अब क्या होता है यहाँ पर जो सैलरीज होती हैं वो आ, जैसे इंडियंस हम जो इंडियंस होते हैं वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से होंगे नर्सिंग एरियाज़ में होंगे इवन कुकिंग एरियाज़ में होंगे इन सब को जो सैलरी है वो अगर मैं इन हैंड की बात करूँ तो टू से फ़ोर या फ़ोर यूरो जो है वो इन हैंड आता है फोर जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा पर साइड में बोला हुआ है पर जो एवरेज है वो 3000 यूरो जो है वो लोग यहाँ पर कमाते हैं तो आपका जैसे मैंने आपको बताया आप सिंगल हैं और अगर आप 3000 यूरो जो है वो यहाँ पर कमा रहे हैं और आपका पर मंथ का जो खर्चा है वो 1200 यूरो या 1000 यूरो है तो आप जो है वो फिर भी 1500 से 1800 यूरो जो है वो सेव कर रहे हो पैसा जो कि अच्छा अमाउंट है तो ये जो है वो फिगर होगा म्यूनिक के लिए अब हम आते हैं स्ट्रुट कार्ड कार्ड में जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े कम हैं क्योंकि वहाँ पर जो रेंट है वो म्यूनिक के कंपैरिजन में थोड़ा कम है तो स्ट्रुट कार्ड में अगर आप सिंगल एज ए रह रहे हो तो आप आराम से 600 यूरो में जो है आपको कोई भी अपार्टमेंट मिल जाएगा प्लस एडिशनल कुछ खर्चा आप मान लो पाँच यूरो से छः यूरो तो तो 1100 हंड्रेड यूरो में आप इस गार्ड में जो है वो आराम से रह सकते हो वेरस फैमिली में जो है वो वही है 1100, 900 नाइन हंड्रेड टू इलेवन हंड्रेड यूरो में आपको अच्छा घर मिल जाएगा एंड देन फिर जो आपका एडिशनल uh, खर्चा है वो मान लो 700 से एट हंड्रेड यूरो पर जो चुट में सैलरी होगी वो वहां पर होगी उनकी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड या टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो जो आप रेंट पे एक्स्ट्रा दे रहे हो बेसिकली वो जो है वो वहां पर रिड्यूज हो रहा है तो वहां पर भी आप इतना जो जो है वो पैसा मतलब 1500 से 1800 यूरो जो है वो बचा सकते हो मोस्टली लोग जो है वो थाउजेंड यूरो तक जो है वो बचा ही लेते हैं अगर वो इनिशियली जो है वो जॉब स्टार्ट करना मतलब जॉब जो है वो स्टार्ट करते हैं <प्राँगा> फिर तो तीसरी चीज हो गई मैं और दूसरी जगह आती हूँ जर्मनी के पार्ट में वो हो गया बर्लिन आ, बर्लिन में जो है वो कॉस्ट और कम है मतलब रेंट जो है वो बहुत कम है बर्लिन का म्यूनिक और स्ट्रूट के कंपैरिजन में तो इस वजह से वहाँ पर जो सैलरीज हैं वो भी थोड़ी सी कम है म्यूनिक और स्टूट के कंपेरिजन में तो वहाँ पर जो है वो आराम से एक अगर सिंगल पर्सन है तो फोर यूरो में उनको कोई भी अपार्टमेंट या कोई भी घर मिल जाए क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऑप्शन हैं और अगर आप कपल हो तो आपको 800 हंड्रेड टू नाइन में आराम से मिल जाएगा फिर आप सब कैलकुलेट करोगे तो वहां पर भी आप 800 से 1000 यूरो जो है वो बचा सकते हो। वहां पर जो एवरेज सैलरी है वो 45,000 से 55,000 होती है बर्लिन में क्योंकि अब स्टार्टअप हाफ बन गया है तो बहुत ज्यादा सैलरीज जो हैं वो कंपनी ऑफर कर रही हैं बर्लिन में भी देन हम आते हैं लाइव जिक पे मेरा ही एक्सपीरियंस ऐसा था, ऐसा था कि जब मैं बहुत सारे इंटरव्यूज दे रही थी तो मेरी एक कंपनी एक कंपनी में लाइव में ही हो गया था और उसमें जो मेरी पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा सीनियर पोजीशन थी मतलब काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट बोर्ड टाइप की पर मुझे सैलरी जो ऑफ़र हो रही थी वो बहुत कम हो रही थी और फिर जब मैंने सब कुछ देखा कि क्यों ऐसा है तो मुझे पता चला कि वहाँ पर जो अपार्टमेंट है मतलब बहुत बड़ा अपार्टमेंट जैसे हमारा अपार्टमेंट है वैसा अपार्टमेंट वहाँ 300 हंड्रेड टू फोर यूरो में मिल जाता है तो इसका ये मतलब है कि एक फैमिली जो है वो 800 यूरो में आराम से लाइट में रह सकती है और स्टूडेंट ढाई से साढ़े तीन यूरो में आराम से रह सकते हैं क्योंकि रेंट जो है वो बहुत कम है और इसी के चक्कर में मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे लगा सैलरी बहुत कम ऑफर हो रही है पर ऐसा नहीं है वहाँ पर भी अगर आपको जो अमाउंट मुझे ऑफर हो रहा था उससे भी मैं जितना सेव यहाँ कर रही हूँ उतना ही वहां पर सेव कर लेती थोड़ा बहुत असर आता पर हाँ उतना सेव कर लेती एक बार फ्रैंकफर्ट के बारे में और बात कर लेती हूँ फ्रैंकफर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जो हैं इंडियंस मोस्टली जो हैं वो थोड़े आउटर में रहते हैं और आउटर में रेंट्स जो हैं वो कम है आ, और वहाँ की सैलरीज जो है वो अगर आप कंपेयर करो तो स्ट्रूट और फ्रैंकफर्ट की सैलरी जो है लगभग लगभग बराबर है तो फ्रैंकफर्ट में एक ये फायदा है कि आप आउटर में रह सकते हो वो सेम चीज जो है वो आप स्टूट में भी कर सकते हो पर फ्रैंकफर्ट में मोस्टली जो है मैंने लोगों से यही सुना है तो आप फ्रेंकफर्ट में जो है अच्छी सैलरी मिलती है आउटर में रह के आप अच्छा खासा पैसा जो है वो सेव कर सकते हो तो ये हो गई लिविंग एक्सपेंसेज और प्लस आप कितना सेव कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें अगर एक जन कोई भी जॉब कर रहा है मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एरियाज में नर्सिंग एरिया में कुकिंग में तो वो आराम से एट हंड्रेड टू थाउजेंड मंथली बचा सकता है ठीक है अगर आप फैमिली हो जैसे मैं और दीपक हैं और हम दोनों ही जॉब कर रहे हैं इन दैट केस आप और ज़्यादा पैसा जो है वो सेव कर सकते हो बिकॉज़ जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं ऑफ कोर्स आपकी शॉपिंग के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे जैसे मेरे बहुत ज़्यादा ट्रैवल के एक्सपेंसिस बढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ों के लेकिन घर में रहने का खाना पीने का रेस्टोरेंट जाने का रोज़मर्रा में जो पैसा लगता है उसमें आपके इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे इसलिए जब दो लोग जॉब करते हैं तो तो आप ज्यादा सेव कर पाओगे तो वो भी चीज जो है वो माइंड में रखो अब आंसर टू योर क्वेश्चन या आंसर जिस टॉपिक के लिए हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था कि कितनी सैलरी सफ़िशिएंट है अभी मैं ये आंसर करने से पहले एक चीज आप लोगों को बताती हूँ कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं जर्मनी के बारे में Uh, ये बोलते हैं uh, मतलब जो फिगर्स है वो बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट में हायर साइड में दिखाते हैं पर रियलिटी ऐसी नहीं है अफकोर्स कुछ लोगों की सैलरीज जो होती हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होती हैं लेकिन अगर आप ओवरऑल जो हाई लेवल की पिक्चर देखो तो यहाँ पर जो सैलरीज होती हैं वो ऑन एन एवरेज सेम ही होती हैं कभी किसी को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या लोगों ने बहुत बार स्विच किया होता है तो ऑफकोर्स उनकी सैलरी बढ़ जाती है अदर देन दैट केस ऐसा नहीं नहीं होता कि आप एक जन की सैलरी देखो सेवेंटी फाइव थाउजेंड और दूसरे की देखो वन ट्वेंटी के तो ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो चीज माइंड में रखो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में एक फिगर होता है वो आपने या तो फेसबुक ग्रुप में देखा होता है या आपके फ्रेंड्स ने ही बताया हुआ होता है जो सेम लाइन में है और आपको ऐसा लगता है कि आपको सैलरी जो है वो कम ऑफर हो रही है और इस वजह से हो सकता है आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते इंटरव्यू तुम्हें और उसी के कारण आप एक तो रिजेक्ट हो जाओगे और आप एक बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है वो लूज कर दोगे तो जस्ट बिकॉज uh, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी भी आप जो अपनी अपॉर्चुनिटी है जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो लूज मत करो जस्ट बिकॉज ऑफ सम यूरो क्योंकि आपकी सेवेंटी टू एटी सैलरी होगी तो भी यूरोज में इतना डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज ऑफ टैक्स पर ज्यादा पे करना पड़ता है फैक्टर फैक्टर तो ये चीज इस इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि तो आपको सीरियसली ता समझ में आए कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दूसरी चीज कि एक बार जब आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने जो सैलरी है वो कम मांगी थी मेरे को ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए तो आप कभी भी यहाँ पर आने के बाद जो है वो स्विच कर सकते हो वो अपनी और आपके टैलेंट के हिसाब से आपके स्किल्स के हिसाब से आपको जो है वो फिर सैलरी मिल जाएगी ये मैं आपको इसलिए कह रही हूं ताकि आपको कोई मिस ना करे और प्लस आपको सही जो है वो फिगर्स पता चले एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगी कभी कभी क्या होता है आजकल इंडिया में भी अच्छी सैलरी मिलती है आई इंजीनियर्स को तो कभी कभी क्या होता है कि आप वहां पर ज़्यादा पैसा सेव कर रहे होते हो और यहाँ आके भी आप उतने ही पैसा सेव करोगे तो इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फिर आपको नहीं मूव करना चाहिए इनकेस आपका बहुत ज़्यादा है, है तो ही आप मूव करो क्योंकि यहां का बेटर है, देन यहां पर, यहां थोड़ा बोरिंग है तो ये चीज मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूं क्योंकि उतना जितना आप सेव वहां करोगे सेम यहाँ करोगे वहां लाइफ जो है वो आपकी एकदम आलिशान होगी वर्सेज यहाँ जो होगी वो एकदम नॉर्मल होगी और तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप आंसर टू एवरी वन एवरी क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर ढाई हज़ार यूरो से ज़्यादा कमा रहे हो और म्यूनिक में मैं मान लो तीन हजार साढ़े तीन हजार यूरो अगर आप कमा रहे हो तो यहाँ पर सैलरी जो है वो अच्छी सैलरी मानी जाती है उसमें आप अच्छे से रह सकोगे प्लस आप अच्छा खासा पैसा जो है वो सेव कर पाओगे मान लो एक लाख रुपए आप पर मंथ सेव कर रहे हो तो बारह महीने में आप बारह लाख जो है वो सेव कर लोगे तो ये हो गया फिगर सफिशेंट अमाउंट बाकी और भी चीजें होती है कुछ लोगों को घूमने फिरने का बहुत हॉबीज होती हैं कुछ लोगों को शॉपिंग करने की बहुत हॉबी होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर वो सब करने के बाद भी आप अच्छा खासा पैसा जो है वो यहाँ पर सेव कर सकते हो और सफिशेंट अमाउंट तो कुछ होता नहीं है क्योंकि किसी के लिए कुछ सफिशेंट है किसी के लिए कुछ सफिशेंट है पर मैं इसको उस तराजू में तो कि आप जो है वो कितना पैसा आपको मिल रहा है और उसमें से आप कितना परसेंट जो है वो सेव कर रहे हो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि आपको जितनी भी सैलरी मिलती है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो आपको हमेशा सेव करना चाहिए मान लो पच्चीस और अगर आप वो कर पा रहे हो मंथली दैट मीन्स यू हैव अ गुड सैलरी यू हैव अ सफिशियंट सैलरी एंड इसी के साथ गाइज मैं जाती हूँ होपफुली आपको एक फिगर पता चला होगा वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताई जो मुझे लगता है कि आ, आपको पता होना चाहिए वो पता लगा हो और अगर आपके कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं तो वो जरूर नीचे लिखना कमेंट सेक्शन में मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी और भी आपके कोई फीडबैक्स हैं तो मोस्ट वेलकम जरूर नीचे कमेंट करना और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जैसा मैं आपको बोलती बहुत कर रहे हैं बिना लाइक करे बिना कोई गया तो अगली बार जो है वो वीडियो उनको दिखेगा नहीं और हाँ ब्लॉगिंग चैनल जरूर देख लेना हमारा उसमें हम लोग जर्मनी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाते हैं and, बाय